जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। लूसेंट ऑप्शनल वाले से जो 19वां अध्याय था उसका जो चौथा टॉपिक था गांधी युग 1917 से 1947 ईस्वी तक, उसमें तीन वीडियो हमने बनाए थे और पहले वाले वीडियो में 20 क्वेश्चन, फिर दोनों दूसरे तीसरे में 10-10 क्वेश्चन और किरण बुक से उसमें एक्सप्लेन भी किया गया तृतीय चरण को 1919 से 1947 तक। आज 41 से 50 तक भारतीय इतिहास के इसी चैप्टर से 19वें चैप्टर के टॉपिक चौथे से होगा गांधी युग से 50 तक, और जो लूसेंट की बुक है उसका एक्सप्लेन होगा 45वां टॉपिक भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला क्वेश्चन 41वां है, 41वां कह रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व 1921 में आया। तो ये तो 41वां क्वेश्चन हुआ। अब एक्सप्लेन देखते हैं धीरे धीरे पॉइंट बाय पॉइंट। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। डफरिन ने कहा कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि करजन ने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। नवरोजी दत्त एवं वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नवरोजी थे। उन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसवरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि के नारे लगाए गए। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए
दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी गरम दल एवं उदारवादी यानी नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बंगला लिखा था। आमार सोनार बंगला लिखा था, बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। 1893 ईस्वी का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु, विशेष पॉइंट है 1893 ईस्वी का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु। देखिए 1853 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 1863 में हुआ था, 1902 में इनकी मृत्यु, तो स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर पहुँचे। सितंबर 1893 ईस्वी में वहाँ पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्होंने 2 मिनट बोलने का समय मिला। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। ये घटना एक है। दूसरा, 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष, जिनका जन्म 1872 में और मृत्यु 1950 में हुई, तो अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। 16 नवंबर 1893 ईस्वी को एनी बेसेंट का जन्म 1847 ईस्वी में हुआ था और 1933 ईस्वी में एनी बेसेंट की डेथ हो गई। तो 16 नवंबर 1893 ईस्वी को एनी बेसेंट भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगीं। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृत से भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूँ। मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृत से भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूँ। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी, जिनका जन्म 1869 में हुआ और मृत्यु 1948 में हुई, तो महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था जिसका नाम सोसाइटी फॉर दी रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू दी हिंदू रिलीजन, ये संस्था उन्होंने स्थापित की। नासिक में चापेकर बंधुओं ने सोसाइटी फॉर दी रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू दी हिंदू रिलीजन। तो ये तो 1893 का वर्ष के बारे में। आगे पॉइंट देखिए, बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई, फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 1914 ईस्वी तक वर्मा के माडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। बर्मा देश की जो माडले जेल थी उसमें 6 वर्ष काटने पड़े। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, ये दो बंधुओं ने प्लेग अधिकारी रैंड एवं एयरसर्ट की हत्या कर दी। एयरस्ट बंगाल में क्रांतिकारी विचाराधारा को वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1905 ईस्वी में वरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तक लिखी, भवानी मंदिर, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए
केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गईं। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस साफ्रांसी से बम बनाना सीखा। नेक्स्ट पॉइंट, महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी, जो मराठी भाषा में था, केसरी को जाता है। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना आरंभ किया। 93 में गणपत, 95 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वेलेंटाइन सिराले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया। प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम केनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे दो महिलाओं प्रिंगले की पत्नी एवं बेटी की मृत्यु हो गई। मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस ने। गलती से बम केनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे दो महिलाओं प्रिंगले की पत्नी एवं बेटी की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुद्दीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। खुद्दीराम बोस 1889 में जिनका जन्म हुआ था, पश्चिम बंगाल मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव के थे खुद्दीराम बोस को पकड़ने वाला पुलिस फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र था। खुद्दीराम बोस के मुकदमे में जज कर्ण डप था और सरकारी वकील मानुक तथा विनोद मजूमदार थे और खुद्दीराम बोस की ओर से वकील कालिदास बोस था। फांसी की तारीख 11 अगस्त 1908। एक हाथ में गीता लेकर खुद्दीराम बोस फांसी के तख्ते पर जा खड़े हुए। तो ये तो खुद्दीराम बोस थे। खुद्दीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता वरिंद्र कुमार घोष थे। 1905 ईस्वी में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 1905 लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल लंदन में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीम उल्ला खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया।
मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। अगला पॉइंट, भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी जो जर्मनी के स्टुटगार्ड शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती हैं। 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया था। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदनलाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदनलाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को अनंत कन्हारे ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुईं। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अगला पॉइंट, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बालमुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बालमुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। वाह। अगला पॉइंट, 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हृदय लाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भखाना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हृदय लाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 ईस्वी से यह गुरमुखी में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा जो ये पत्र था गदर अखबार उर्दू में, फिर 9 दिसंबर 1913 में गुरमुखी में। अगला पॉइंट, कोमा गाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी में किराए पर लिया था। कोमा गाता मारू जापानी जहाज को यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की।
एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया, जॉर्ज अरुंडेल को। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसीलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। मतलब इस राजकुमार शुक्ल की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमन, जिससे शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे, उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपया भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन 1918 या उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। 31 अक्टूबर 1920 को एन एम जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में की थी 1918 में। अगला पॉइंट, गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता है। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाईं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेसी समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारती ने डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि, जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में
लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय। 3 भारतीय कौन कौन? सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण। सदस्य भारती 3 थे, 5 अंग्रेज थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू एवं गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। अगला पॉइंट, खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की थी। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना एनी बेसेंट था। विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। पाँच फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों के ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को किरणवाले में 12 फरवरी दिया है, लुसेंट इसमें दिया 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को ही रिहा कर दिया गया। अब नेक्स्ट वाला पार्ट जो है अगले भाग में आएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। जो शेष रह गया है लूसेंट का 45वां टॉपिक का, वो अगले भाग में आएगा। क्वेश्चन देखते हैं, 42वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल ने रचना कर की है, दीन बंधु के नाम से C.F. एंड्रूज जाने जाते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार महात्मा गांधी हैं। 46वां क्वेश्चन है, क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो क्रमानुसार सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ, फिर साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ, फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ, फिर पूना पैक्ट हुआ। असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन का भारत आगमन, गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट। 47वां है, डांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करने के नमक कानून का विरोध किया था? तो डांडी यात्रा में गांधी जी ने 385 किलोमीटर दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। 385 किलोमीटर गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। 50वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो RC दत्त जो है, ये
आज़ाद हिंद फौज यानी INA से संबंधित नहीं है। बाकी गुरदयाल सिंह ढुल्लो ये भी आज़ाद हिंद फौज के सदस्य, जनरल मोहन सिंह ये तो थे ही, शाहनवाज खां ये सभी थे। तो इस तरीके से 50 तक क्वेश्चन हुए और लूसेंट ऑप्शनल से गांधी जी की गिरफ्तारी या सहयोग के बाद वहां तक हुआ। बार बार इस वीडियो को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।